सिपाही ले आया हरिया तू बता बने होगा व्यथा जाती नहीं बताई ले आया भैया बता बने अन्याई के बूझगा करे रे व्यथा जाती नहीं बताई ले आया भैया दुखिया जिसका पूत काल ने खाया एक निर्भागन के घर में पता इतना टोट आया अब पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा घोर खिलाया हो मत पूछे उस दुखिया का मैंने बेटा घोर खिलाया मेरे कुल का हुआ बतेरा भगन की धास बता जो तुझ जिक्र हुआ तेरा बोलो मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा तारा का जाया रोहित इस चीर के टुकड़े को ले ले मुझे मार का कोई गम नहीं क्यों क्योंकि गिला कुछ मार का है और न शिकवा कोई गाली का गिला कुछ मार का है और न
शिकवा कोई गाली का, तुम्हारा दोष क्या है कालिया? दोष है मेरी कंगाली का। ना आते यह बुरे दिल दाने दाने को तड़पता क्यों, और ना हुसद बन के कालिया तुम्हारे घर बरसता क्यों, तुम्हारे घर बरसता। ए हरिया, तू कोई साधन मानव नहीं हो, तुम कौन हो? और मेरे यहां जो नौकरी कर रहे हो, और मरने वाला कौन है? और कौन वो दुखिया शमशान घाट में? जानना चाहता है? बिल्कुल जानना चाहता है। तो कानों की शक्ति को तीव्र कर, और चूंकि मेरे स्वामी आज मैं आत्महत्या करूंगा, आज के बाद तेरा ये सेवक तुझे दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं, क्योंकि ऊब चुका हूं मैं। क्या है विधाता, मेरी तकदीर में सुख का सांस बाकी नहीं रहा, और बाकी नहीं रहा तो कोई बात नहीं, इस समय मेरा पुत्र नहीं है दुनिया में, और क्योंकि मुखाग्नि देने का अधिकार पुत्र को होता है। हे मेरे स्वामी, जब मैं अपना राज खोल दूं और मैं आत्महत्या करूं, या फिर एक काम कर देना, और मैं जब अपना राज खोल दूं तो अपनी ये कटारी निकाल करके, मेरा निवेदन है, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे कत्ल कर देना, मेरे सही कर देना। कालिया अब सुन, अब मैं अपना राज खोलना चाहता हूँ। इस वक्त जो शमशान भूमि में अर्ध नग्न होकर के बैठी हुई है, आधा तन ढका हुआ है और आधे तन पर कपड़ा नहीं है, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी, और उसका नाम तारा है। और हे कालिया, इस वक्त जो मृतक के रूप में पड़ा हुआ है, जिसकी लाश केले के पत्तों में है, कफन भी नहीं है, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरा अपना पुत्र है, और उसका नाम रोहतास है। और हे कालिया, जो बदनसीब, जो व्यक्ति तेरे सामने तेरे नौकर के रूप में खड़ा हुआ है, यही व्यक्ति कभी अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था, जो आज तेरा नौकर बनके। नहीं, मेरे मालिक नहीं, मेरे परवरदिगार, हो सके तो शिकार या भागी को क्षमा कर देना। मां क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए, सही अपनी बात करते चलो। संकट में डर डर के, वो पर्वत की लाश देख के रोया ना आहे भर के, सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटे का मर के हो, सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटे का मर के, उस परमेश्वर के दीवार धर्म की ढाई, सरस्वती माँ ऋषि पाल की करिए सदा सहाई, किसका चीर ले आया हरिया पता बने अन्याई, के पूछेगा करे रे व्यथा जाती नहीं बता।